गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डेट इज कॉल्ड शी के बारे में। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर दो वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है ये शी? एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्या है? रिफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी हेल्प से हम इससे कनेक्टेड जो भी अदर हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सी, विद द हेल्प ऑफ शी, ये जो आपका शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो हमारी हेल्प करता है क्या मेजर करने में, इस जो दूसरा हाफ सेल है ये एक हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हाफ सेल। और इसकी इस हाफ सेल की हेल्प से इससे कनेक्टेड जो दूसरा हाफ सेल होगा उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सी वी कैन मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल कनेक्टेड टू इट। यानी इसके साथ ये खुद क्या है, एक हाफ सेल है, और इसके साथ हम जो भी दूसरा हाफ सेल कनेक्ट करेंगे उसके हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से, शी की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। यानी शी को इन्वेंट ही किस लिए किया गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किया गया है। थर्ड, ये जो है हाफ सेल है, क्या ये हाफ सेल है, कैन बी एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। आप इसको एनोड की तरह भी यूज कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं शी को। तभी आप अगर इसको एज एनोड यूज कर रहे हैं तो आप इसको लेफ्ट में रखेंगे, फिर राइट में जो दूसरा हाफ सेल लिया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीजर हो जाएगा। अगर आप तो इसे एज कैथोड ले रहे हैं तो राइट में रखेंगे, फिर जो दूसरा हाफ सेल आपने लेफ्ट में लिया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीजर हो जाएगा। इट मीन्स ये कैसे यूज होता है, एज अ एनोड भी और एज अ कैथोड भी, आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। और जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी है वो फिक्स है, चाहे आप एज एनोड यूज करें या एज कैथोड यूज करें, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज ऑलवेज जीरो वोल्ट, ये हमेशा फिक्स रहेगा जीरो वोल्ट के। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए हमारे शी के, क्या क्या कि ये क्या है, कि रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी एज ए रिफरेंस इसको लेकर इसके साथ वाले सेल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और यह एज एनोड और एज कैथोड दोनों तरह से यूज हो सकता है। एंड लास्ट वन की इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है इट इज फिक्स्ड 0.0 वोल्ट के बराबर है। तो ये सारे इसके मेन पॉइंट्स हो गए शी के बारे में। जब हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, एक पॉइंट कि कैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी शेल बनाना है हमें, उसे हमें उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने इलेक्ट्रोड क्या यूज किया है,
हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किया है प्लैटिनम, ये हमारा प्लैटिनम फॉइल है कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। ये जो हमारा प्लैटिनम फॉइल है यही हमारा क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। प्लैटिनम फॉइल कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। बच्चों यहाँ पे हमने प्लैटिनम ही क्यों लिया है एज ए इलेक्ट्रोड, क्योंकि प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे हमने डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड लिया था एज एनोड, और जिंक रिएक्शन में क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। जिंक क्या हो जा रहा था, डिजॉल्व हो रहा था और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। हमें यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए था कि जो रिएक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। तो हमने क्या लिया यहाँ पे इलेक्ट्रोड के फॉर्म में क्या ले लिया, प्लैटिनम। और प्लैटिनम कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तभी हमारी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, डेट इज जीरो। इसीलिए हमने यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ हम क्या लेंगे, 1 मोलारिटी का HCl सॉल्यूशन ले लेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट। साथ में हमने यहाँ पे यूज किया है हाइड्रोजन गैस एट 1 bar। ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है, आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हमें प्रेशर हमेशा क्या लेना होता है, 1 bar। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हम ले रहे हैं 1 bar प्रेशर में। तो एक तो हमने ये यूज किया, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और साथ में हम क्या ले रहे हैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी ले रहे हैं। तो ये काम कैसे करेगा बच्चों, ये देख लेते हैं फटाफट, वर्किंग देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग ऑफ शी। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा शी है एज एनोड भी यूज हो सकता है और एज अ कैथोड भी यूज हो सकता है। तो जब आप एज अ एनोड यूज करेंगे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, तो आप 1 bar पे हाइड्रोजन गैस यहां से डिजॉल्व कर रहे हो इस HCl सॉल्यूशन के अंदर, वो हाइड्रोजन गैस इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में यहाँ 2 electrons क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये रिएक्शन कब होगा, एनोड। अगर आप इसको एज अ एनोड यूज कर रहे हैं देन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, जहाँ हाइड्रोजन गैस आपका हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एज अ कैथोड यूज कर रहे हो बच्चों, तो रिएक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आयन थे जो कि एसिड से रिलीज हुए थे, यहाँ हमने सॉल्यूशन किसका लिया है, ये जो 1 मोलारिटी का HCl सॉल्यूशन लिया है, ये ही HCl सॉल्यूशन क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन। एसिड हमेशा क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन। तो ये जो H प्लस आयन है कहाँ से, जो कि हमें सॉल्यूशन से मिल रहा है, इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। तो जब आप एज अ कैथोड लेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा, और जब आप एनोड लेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। तो आप शी को एज अ एनोड और एज अ कैथोड जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोनों ही केस में इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा डेट इज जीरो। इस केस में भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इनोड जो हो ये जीरो ही होगा, 0 volt, और यहां भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डेट इज 0 volt। तो अब हमें जानना है
कि शीट की हेल्प से कैसे हम अदर हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मीजर कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट। तो सपोज दैट एक सेल बनाते हैं, हम एक गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं, दो हमने कंटेनर लिए, लेफ्ट साइड में हमने ये जिंक रॉड लिया और इसको किसमें डिप किया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। इस साइड हमने अपना क्या ले लिया बच्चों, शी ले लिया, यहां से हम क्या रिलीज करें, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे क्या है हमारा HCl है, 1 मोलर का HCl सॉल्यूशन है यहाँ पे हमारा बच्चों। तो यहाँ इसको हमने सॉल्ट ब्रिज से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये है हमारा शी, यहाँ पे शी हम एज कैथोड ले रहे हैं क्योंकि हमने इसको राइट में लिया है, ठीक है। तो यहाँ अगर मुझे ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल, तो फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट सेल निकालने का, ई आर माइनस ई एल। तो आपको पता है कि जो ई नॉट सेल है ये डायरेक्ट इसको हम मीजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, एक एपरेटस है जिसका नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर। ई सेल को मीजर करने के लिए जैसे फीवर को मीजर करने के लिए हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर, वैसे ही ई नॉट सेल को मीजर करने के लिए हमारे पास क्या है, एक एपरेटस, पोटेंशियोमीटर। तो जब हम इस सेल को क्या कर लिया, हमने सेटअप कर लिया और पोटेंशियोमीटर पे रीडिंग देखते हैं, पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग है, सपोज दैट कि दिस पोटेंशियोमीटर रीडिंग इज 0.76 वोल्ट। ये पोटेंशियोमीटर हमें ई नॉट सेल की जो रीडिंग दिखा रहा है दैट इज 0.76 वोल्ट। तो हम ई नॉट सेल की जगह क्या लिखेंगे, हमारा ई नॉट सेल क्या हो गया 0.76। अब ये वैल्यू हमने मीजर डायरेक्ट किससे मीजर कर लिया है, पोटेंशियोमीटर से मीजर कर लिया है। अब हमने राइट में क्या लिया बच्चों, राइट में हमने शी लिया है और शी की वैल्यू अभी हमने पढ़ा कि शी की वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है डेट इज 0। तो यहाँ ई आर की जगह हमने क्या लिखना है, 0। तो जो ई एल की वैल्यू है अब ये तो 0 हो गया, तो आपका जो ई एल का वैल्यू है यानी लेफ्ट में जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये जो वैल्यू आया आपका पोटेंशियोमीटर ने, ये जो रीडिंग दिया ई नॉट सेल, वो किसके बराबर हो गया, ये इस ई लेफ्ट के यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या हो गया, बराबर हो गया है, क्योंकि ई आर तो यहाँ मेरा क्या हो गया, 0। तो आपका ई एल की वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0.76 के बराबर हो गया। सो इस तरह से हम अगर निकाले, अब अगर मैं निकालू यहाँ पे ई नॉट किसके लिए, जिंक के लिए, जहां आपका जिंक, जिंक से जिंक 2+ आयन में जा रहा है, यानी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0.76 वोल्ट, जो कि हमने किसकी हेल्प से मीजर किया है, शी की हेल्प से मीजर किया है। तो सिंपली कि जब हम शी का यूज करेंगे तो पोटेंशियोमीटर पे जो भी ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द, जिस सेल की भी आपको वैल्यू मीजर करनी है उसी के क्या आ जाएगी, बराबर। जैसे यहाँ पे मुझे शी की वैल्यू तो फिक्स थी 0, अब मुझे यहाँ पे इस ई एल यानी इस जिंक इलेक्ट्रोड का, इस सेल का, ये जो हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें मीजर करना था, तो यहाँ जो पोटेंशियोमीटर पर ये जो वैल्यू आया 0.76, ये किसको रेफर कर रहा था,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है। सेम अगर मैं अपोजिट कर दूं, इसको अपोजिट कर देती, ये राइट साइड जाता तो ये मुझे कैथोड पे होने वाली रिएक्शन के यानी रिडक्शन पोटेंशियल बताता। अभी मैंने शी को राइट में रखा है तो ये मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है, शी को अगर मैं लेफ्ट में रखू तो ये मुझे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बताएगा। तो इस तरह से शी की हेल्प से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दूसरे हाफ सेल का, जो भी इसके अगेंस्ट हम रखेंगे उसके हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको कैसा लगा बताना ना भूलें।